हेलो गाइस, वेलकम टू द बीस्ट चैनल। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि विंटर्स में पपीज़ का केयर कैसे करें। तो मैंने अपडेट डाला था कि मेरी जो फीमेल है लूसी, जर्मन शेफर्ड, उसने पपीज़ दिया है। शॉर्ट्स में मैंने अपडेट डाला था, अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा, और नहीं तो फिर गाइस अभी मैं बता रहा हूँ कि मेरी जो फीमेल है उसने पपीज़ दिया है। तो उसकी केयर जैसे मैं कर रहा हूँ, तो वही चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे करना है केयर। और मैंने जो सेटअप बनाया है वो भी आप लोगों को दिखाऊंगा कि विंटर्स में कैसे आप सेटअप बना सकते हैं काफ़ी अच्छा, फीमेल को भी आराम हो और बच्चों को भी ठंड ना लगे, क्योंकि बच्चों को तो गर्मी चाहिए यार। वो विंटर हो चाहे समर हो, बच्चों को गर्मी चाहिए। तो समर में उतना दिक्कत नहीं होता है, लेकिन हाँ विंटर में तो दिक्कत होगा। तो वही गाइज मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, काफ़ी अच्छा सेटअप है और काफ़ी ईजी टू मेक है, तो आप आराम से कर सकते हो उसे सेटअप। तो उस सेटअप को मैं दिखाता हूँ, आप देखिए गाइज, यही सेटअप बनाया है मैंने। तो देख सकते हैं आप, ये जो है यहाँ पे, ये मैंने कार्टून्स लगाए हैं इसमें, एक एक ईंटे डाल के, ये कार्टून घस के ना, ठीक है गाइज, वो मैंने ईंटे लगाए हैं। और आप देख सकते हैं लूसी अपने बच्चों को, तो वैसे टेंशन नहीं लेना, वो उठाती है दूध पिलाने के लिए जो दूध नहीं पिया है उसको। तो ये जो है, ये कार्टून्स लगाए हैं कि इससे लूसी आर पार हो सके, हाइट कम रखा हो कार्टून का कि लूसी आर पार हो सके, बट बच्चे रिंग के इस साइड ना आ सके, क्योंकि यहाँ तक तो हमारा सीट है, मतलब करकट है यहाँ तक, बट इसके बाद तो पूरा खुला एरिया है, तो इधर ठंड लग जाएगी बच्चों को अगर रिंग के आ गए तो। तो गाइज यही सेटअप है, और ये देख सकते हैं मैंने यहाँ होल्डर लगाया वहाँ से तार लपेट के उधर से, क्योंकि यहाँ स्विच का कनेक्शन नहीं था तो मैंने उस साइड से स्विच दिया है। ये 200 वॉट का बल्ब है जो कि हीट दे बढ़िया से, और देख सकते हैं गाइस काफ़ी अच्छा हीट दे रहा है। तो यही मेरा सेटअप है, और ये जो मैंने दिया है ये ब्लैंकेट्स है, और एक ब्लैंकेट मैंने यहाँ रखा है। तो देख सकते हैं गाइस ब्लैंकेट का एमआरपी, सारा चीज़ क्लियर करूँगा, देख सकते हैं 99 रुपीज़ है, ज़्यादा नहीं। दो ब्लैंकेट खरीद लीजिए, हर वीक चेंज करके बिछाइए, बहुत सही रहेगा, साफ़ रहेगा, गर्म रहेगा ठंड के लिए। तो गाइज यही देख सकते हैं, और महीने के जूट वाला बोरा देने से बच्चों की जो नाभि होती है ना वो छिल जाती है, और ब्लैंकेट सॉफ्ट होते हैं तो इसमें दिक्कत नहीं है, बच्चे रेंगेंगे भी थोड़ा मोड़ा तो कोई दिक्कत नहीं है। और गाइज तो यही बताना था, और जो फीमेल है, फीमेल को तो आप नहला नहीं सकते हैं और वो गंदी भी हो जाती है थोड़ा, तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं, देखिए हिमालय का ये फ्रेश कोट है, मतलब ड्राई शैम्पू बोलते हैं इसको, तो आप इसको स्प्रे करके कपड़े से भिंगा के हल्का पोंछ सकते हैं, तो उससे फीमेल पूरा क्लीन रहेगी एकदम, कोई दिक्कत नहीं, कोई स्मेल नहीं रहेगा। ये मैं कोई कंपनी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, बस मैं जो यूज़ करता हूँ वो आपको दिखा रहा हूँ। और ये जो है सप्लीमेंट्स, तो हम डायरेक्ट पपीज़ को दे नहीं सकते अभी, जो भी देना है मदर के थ्रू देना है। तो ये गाइस देख सकते हैं आप, ये मल्टीविटामिन है, और ये जो है ये लीवर टॉनिक है, तो आप देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ये दोनों मैं यूज़ कर रहा हूँ, काफ़ी बढ़िया है। और अपना जो कैल्शियम, ये तो पहले भी मैं बता चुका हूँ, ऑस्टोपेट वायरबैग का सबसे सुपर मटेरियल है बोन्स के लिए। और गाइज ये है डेजीटोन हिमालय का, ये जैसे बच्चों को आप देखिएगा, ऑब्जर्व कीजिएगा, जो बच्चे का पेट फूला रह जा रहा है या कुछ, तो उसको आप चटा सकते हैं थोड़ा सा, तो उससे उनको इंडाइजेशन नहीं होगा, डाइजेशन में दिक्कत नहीं होगा और अच्छा से डाइजेस्ट करेंगे वो। और फीमेल को भी आप दे सकते हैं, अगर वो खाना वाना नहीं खा रही है ज़्यादा, नहीं मतलब जैसे सुबह भी नहीं खा रही है, शाम में भी नहीं खा रही है, ऐसे तो बच्चे देने के बाद एक दो दिन फीमेल नहीं खाती है, तो आप ये दे सकते हैं उसको 4-5 ml 2 टाइम दिन भर में, तो वो खाने लगेगी। और गाइज बस यही है। और हाँ एक चीज़, फीमेल को हमेशा कंघी करें बच्चे देने के बाद, क्योंकि वो मतलब उसमें टिक्स एंड फ्ली आने ही नहीं चाहिए, अगर वो आए तो वो मिल्क भी बंद हो जाएगा और बच्चों को भी हो जाएगा, फिर बहुत दिक्कत होगा। और गाइज सबसे मेन चीज़ डिवॉर्मिंग, अभी नहीं करना है डिवॉर्मिंग, 15 दिन के जब बच्चे हो जाएं तो उनका बॉडी वेट ले, और एक एवरेज करके बॉडी वेट से, जैसे डिवॉर्मिंग तो 10 kg पे 10 ml होता है, बट इन बच्चों का वेट 1 kg होगा, तो बस इनको मतलब एक बूंद या दो बूंद डिवॉर्मिंग दे दे, उससे क्या होगा कि ग्रोथ में दिक्कत नहीं होगा, ग्रोथ अच्छे से होगा। और डॉग फूड में पूछते हैं लोग कि फ्रीमेल के पपीज देने के बाद क्या दे, तो सीधा सा स्टार्टर चलाओ भाई, कोई भी कंपनी का स्टार्टर चलाओ,
बस सीधा सा मैं यही बोलूँगा कि स्टार्टर दो, फूड देने की ज़रूरत नहीं है, और चिकन चावल दो, और हो सके तो पपीज देने के बाद 4-5 दिन तक आप उसको हल्दी दूध दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूध ऐसे तो नहीं बोलते दूध देना, बट फीमेल जब पपी दी है तो उसको आप मतलब दोगे तो इम्यूनिटी भी स्ट्रांग रहेगी, उसको कोई दिक्कत नहीं होगा, और जो अंदर से जो होता है थोड़ा मोड़ा वो रिपेयर हो जाएगा, क्योंकि बहुत ब्लड भी निकलता है, बहुत सारा चीज़ होता है, तो वो आप दे सकते हैं। और बस यही है, और अगर कुछ क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और अपने हमारे चैनल को सपोर्ट करें। गाइस, तो आप लोगों को मैंने सारा सेटअप दिखा दिया है, इसके बाद भी अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं वीडियोस में, कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट करें, क्वेश्चंस पूछें, मैं आंसर दूंगा। और गाइस, इसी तरह बीस्ट चैनल को सपोर्ट करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, थैंक यू।